चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे, पीछे चुप रहे। गाड़ी का टायर फोड़ दे अपनी, गाड़ी को फोड़ दे, गाड़ी को फोड़। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया गेम प्ले वीडियो। तो काफ़ी लोग मेरे को कमेंट में कह रहे थे कि कदम भाई एक जरा गेम प्ले वीडियो निकालो। तो मैंने कहा चलो यार, आप लोगों की डिमांड आई है तो एक गेम प्ले वीडियो भी खेल के देखते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था तो मैं और लेजेंड भाई खेल रहे थे। लेजेंड भाई को तो आप लोग सब जानते ही हो गए, गेम एक्सप्रो भाई अपने। तो भाई गेम एक्सप्रो भाई के साथ मैं खेल रहा था सुबह सुबह एक गेम प्ले। तो भाई वैसे ही हमने मैच स्टार्ट करा तो हमने कहा चलो ठीक है गेम प्ले खेलते। तो इस मैच में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इस मैच में सिर्फ एक चीज़ ज़रूर खास थी। तो भाई मैच में कम से कम भाई 4 से 5 हमने ड्रॉप लूटे होंगे, जिसमें से 3-4 तो फ्लैट ड्रॉप ही थे। तो भाई इस फ्लैट ड्रॉप लूटने में ना भाई हमने इतने मतलब इतने जगह पर रश किया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने जगह पर हम गाड़ी ले लेके घुसे हैं भाई, कितने जगह में नॉक भी हुआ हूँ। तो बट आपको पता ही है गेम एक्सप्रो भाई कैसा खेलते, तो गेम एक्सप्रो भाई ने मेरे को इतनी बार बचाया। तो चलो अपना गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उतरे थे रिजॉर्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं लूट पाट के यहाँ पे आई थी 3 टीम। तो 3 टीम में से एक टीम तो आपस में लड़ लड़ा के मर गई थी, तो एक टीम गेम एक्सप्रो भाई ने अपने आप पेल दी थी। तो जैसे ही उन्होंने एक टीम पे ली थी तो दूसरी टीम का एक आखिरी बंदा बचा हुआ था, उसको मैंने मार दिया था। तो जैसे ही यहाँ वाली साइड खत्म हो जाती है तो एक कॉर्नर साइड पे एक टीम और बची होती है, हम फटाफट से उसकी तरफ दौड़ते हैं, यहाँ से गन वगैरह उठाई क्योंकि गन तो थी नहीं, टॉमी थी जैसा आपको बताया। फिर उस तरफ से शॉट्स आए होते हैं तो उस तरफ फटाफट से हम पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही उस तरफ पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक पीछे से लेजेंड भाई किसी को मार रहे होते, तो मेरे को लगता है कि वो बंदा है तो बट वो बॉट था। तो जैसे ही लेजेंड भाई बॉट मार के हम फटाफट से उस तरफ पहुँचे ही होते हैं, तो भाई यहाँ से भी मेरे को शॉट्स आ रहे होते। अब मेरे को नहीं पता कि ये रियल बंदा था या फिर बॉट था, तो बट ये फायर तो ऐसे कर रहा था कि बॉट था। बट चलो अब जाकर देखते हैं कि ये बंदा है या बॉट है। तो जैसे ही मैं इसके क्लोज आया होता तो मेरे को लगता है कि ये घर के पीछे है, बट ये घर के पीछे नहीं था, घर के नीचे ही था। तो मैंने कहा बॉट बिना बात तो गोली चला नहीं सकता। तो जैसे ही मैं घुसता हूँ और बॉट को मारता हूँ ना, तो ये बॉट एक ऑफलाइन प्लेयर को मार रहा था, जो ऑफलाइन प्लेयर यहाँ बैठा होता है। तो फटाफट से हम दोनों को मार देते हैं और फिर यहाँ से रिजॉक हो जाता है एकदम कम्प्लीट, और रिजॉक से हम फटाफट से लूट लाट के निकल जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे होते हैं और निकलने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे होते, इतने में हमें गैराज में गाड़ी मिल जाती है। और भाई ये देखो, तो हमारे लेजेंड भाई इतने अमीर हो चुके हैं कि भाई इन्होंने गाड़ी, कम से कम मैंने पूछा लेजेंड भाई ये गाड़ी कितने के लिए, तो इन्होंने मेरे को बताया कि 25 से 30 लाख की गाड़ी है इन्होंने खरीदी है पबजी में। और मैंने कोई फ़ायदा तो है नहीं इस गाड़ी को लेने का, बट ये गाड़ी तो क्योंकि पबजी तो होने वाला बैन, तो लेजेंड भाई कहते हैं अब क्या कर सकते हैं भाई, पबजी तो बैन होने वाला है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ये 25 से 30 लाख की गाड़ी को लेकर हम निकलते हैं और बंदे ढूंढने लगते हैं। तो भाई अपार्टमेंट की तरफ हम पहुंचते हैं, अपने में यहाँ पे एक बॉट दिखता है और घर से एक फुटप्रिंट आया होता है। तो बॉट तो लेजेंड भाई गाड़ी भी चढ़ाए थे बॉट के ऊपर, तो घर पे जैसे ही फुटप्रिंट आ रहे होते हैं मैं फटाफट से घुसा हूँ, तो सीढ़ी पे आ चुका होता है ये बंदा, तो उसको भी फटाफट से मार देते हैं और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही अपार्टमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, दो जगह हम चेक कर चुके हैं, रिजॉर्ट और स्कूल अपार्टमेंट, और फटाफट से हम निकल रहे होते। तो जैसे हम निकल रहे होते तो मुझे जॉर्ज पुल साइड से एक फ्लेयर नज़र आ जाती है, और फिर मैं लेजेंड भाई को बता देता हूँ कि लेजेंड भाई यहाँ पे फ्लेयर चलिए, फटाफट चल जाओ, चलते हैं वहाँ पे और बंदों को मार के फ्लेयर लूटेंगे उनकी। तो फटाफट से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम पहुँच जाते हैं सीधा जॉर्ज पुल। जॉर्ज पुल पहुँचते ही हमें सामने ओपन में फ्लेयर दिख जाती है, तो भाई यहाँ पर देखो क्या होता है हमारे साथ सीन। वो तो शुक्र मानो हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भाई हमारे सामने बंदे नहीं थे, बंदों का सारा ध्यान फ्लेयर लूटने में था। तो हमारी गाड़ी ऐसे पलटिया खा रही थी, फटाफट से हम गाड़ी को लगाते साइड में, पर बंदा मेरे को क्रॉस करता दिख जाता सामने, तो बट मैं उसको फायर नहीं लेता क्योंकि मैं खुद ओपन में होता हूँ। तो मैं फटाफट से मैं सोचता हूँ पहले जब तक तो मेरे को कवर नहीं मिलता तब तक मैं नहीं मारूंगा, और फिर मेरे को बंदा ओपन में दिख जाता और मेरे पास भी प्रॉपर कवर था, तो मैं बंदे का नॉक कर देता हूँ, लेजेंड भाई हाथ के हाथ उसको कंप्लीट कर देता। इतने में ही उसका दूसरा बंदा पीछे की तरफ से आ रहा था, लो भाई उसको भी हमने आयरन साइड से ही 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो इतनी देर में हम दोनों को मार देते, तो जो भी टीम फ्लैट चलाई थी वो टीम मर चुकी होती है। तो इतनी देर में मैप में मार करते हैं गाड़ी के, तो फिर मैं फटाफट से कहता हूँ कि गाड़ी आई, और गाड़ी का कंफर्म लोकेशन पता नहीं होती कि कहाँ से आई। तो भाई आगे जाकर हम चेक तो करते हैं कि गाड़ी किस तरफ है, गाड़ी नज़र बिल्कुल नहीं आती है। तो फिर मैं अंदाजा लगाता हूँ कि गाड़ी किस तरफ आई है, गाड़ी लेफ्ट साइड से आई हुई होती है, तो बट वो बंदा लेफ्ट नहीं बट बंदा निकल गया था राइट साइड से, तो हम ओपन नहीं होते। सबसे पहले मैं कवर पकड़ने की सोचता हूँ, इतनी देर में मेरे को बंदा नज़र आ जाता है ओपन में ही, क्योंकि वो भी हम पे शॉट नहीं कोशिश कर रहा था, बट जैसे ही बंदा नज़र आता है तो उस बंदे को हम भर देते हैं। तो जैसे इस बंदे को मारने के बाद अब हो चुका है जॉर्ज फुल कंप्लीट, फ्लेयर हो चुकी थी अपनी, और फटाफट से यहाँ से लेजेंड भाई उठा लेते हैं WM, और हम अपनी लूट वगैरह कर करा के फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और फिर हम चलते हैं पचंगी। पचंगी पहुँच जाते हैं, पचंगी पहुँचते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ बंदे होंगे, बट यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जैसे ही पचंगी में कोई निकल रहे होते हैं चेक करके, तो बट यहाँ में कोई नज़र नहीं आता, बट कोने पे मिल जाते हैं बंदे। तो देखो यहाँ फिर हमारे साथ कैसे होता है, मैं तो हो जाता हूँ नॉक, फिर देखना क्या होता है, क्योंकि मेरे को पड़ती है 2 जगह से गोलियाँ।
तो भाई यहाँ पर मैं बार बार मरते हुए बसता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ खुद पता ही नहीं होता कि बंदे एक राइट में भी एक लेफ्ट में, मैं एक के ऊपर एम बनाता हूँ, पीछे वाला मेरे को मार के नॉक कर देता, बट लेजिट भाई तो आपको पता ही है वो दोनों को मार के मेरे को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, फिर हील वगैरह करके हम यहाँ से निकलते हैं। तो इतनी देर में कोने की तरफ से एक शॉट सो रहा था, तब ये को मेरे को नहीं पता है कि ये बॉट है या बंदे है, तो फटाफट से मैं लेजिट भाई को मार करके बताता हूँ कि किस तरह बंदे हैं। तो फटाफट हम गाड़ी लेकर उस तरफ निकल जाते हैं, बट जैसे ही वहाँ पहुँचे होते हैं तो वहाँ पर हमें कोई नज़र नहीं आता। तो लेजिट भाई थोड़ा इधर उधर लाइट लेफ्ट गाड़ी घुमा कर देखते, लेफ्ट की तरफ हमें बंदा दिख जाता है। तो देखो भाई उसको कैसे मारते हैं। तो मारने के लिए जैसे ही हमने गाड़ी मोड़ी होती है तो भाई मेरा एंगल ढंग से नहीं बन पाता और मेरे घर में वैसे था ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाता हूँ, मैं फिर दोबारा से नॉक। तो भाई क्या कर सकते हैं, मेरे पे वेस्ट और हेलमेट फुल डैमेज था और मैं फिर दोबारा नॉक हो जाता हूँ, बट लेजिट भाई तो आपको पता ही है कैसे खेलते, तो लेजिट भाई मेरे को बचा लेते हैं अगेन। अब फटाफट से पचंगी भी जाता है कम्प्लीट और अब पचंगी से लूट लाट के हम फटाफट से निकलते हैं। तो जैसे ही हम पचंगी से निकल के ये वाली लोकेशन पे आते हैं तो हमें दिख जाती है एक और फ्लेयर। तो फटाफट से लेजिट भाई और मैं उस फ्लेयर की तरफ दौड़े चले जाते हैं। तो पता नहीं ये फ्लेयर कितनी दूर चली होती है, बट ये फ्लेयर बहुत दूर चली होती है। तो फटाफट से हम जैसे ही उस लोकेशन के ऊपर पहुँचते तो वहाँ पे ऑलरेडी ना और बंदे पहुँचे हुए होते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी वाड़ी मतलब फुल ऑलरेडी झगड़े वगड़े हुए होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे गाड़ी वगैरह फटी हुई है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बताता हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा से ध्यान देना पड़ेगा, आसपास के बंदे भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई हुई होती है। तो हम घर की तरफ एम बना के रखते हैं, हमने कहा सीधा घर में जाके नीचे बैठ जाएंगे। तो फटाफट से क्या होता है, घर पे ऑलरेडी दो बंदे होते हैं। तो भाई अब ये बंदा पता तो नहीं होता कि छत पे होता है या नीचे होता है, बट ये बंदा होता है बालकनी में। फटाफट से मैं इसको मारने के लिए नेट निकालता हूँ, तो मेरे में एक बंदा नीचे पिक करता है, तो लेजिट भाई इसको मार देते हैं। तो भाई अब देखो एक बंदा कैसे कैंप करके सीढ़ियों पर बैठा होगा। तो भाई ये बंदा अपने आप को ऐसा सोच रहा था कि भाई मैं कैम करके सीढ़ियों पे मार दूंगा, तो बट ऐसा कुछ नहीं होता, उस बंदे से जाते हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो भाई इस बंदे को बढ़ देते तो ये वाली फ्लेयर भी अपनी हो जाती है। तो समझ लो हमने दो फ्लेयर लूट ली, अब हम जाएंगे तीसरी ड्रॉप लूटने। भाई वहाँ पे जो सीन होता है वो सीन तो देखने वाला होता है। तो तब तक के लिए आप लोग जो भी चैनल पे नहीं हुए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और भाई प्लस बेल का आइकन को प्लस जरूर कर देना। तो फटाफट से जैसे ही वहाँ से निकल के दूसरे ड्रॉप की लोकेशन में जा रहे होते हैं तो हमें ऊपर में दिख जाता है ये बंदे। तो हम इन दो बंदों को तो भाई ऐसे ही मार देते हैं। तो भाई इन दो बंदों को तो मारने के लिए हमें गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं पड़ी और हम गाड़ी से उतरते भी नहीं हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लूट होती है, लूट के लिए भी नहीं हम गाड़ी से उतरते। फटाफट से इनको मार के यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ से निकलते निकलते जैसे ही हम दूसरे ड्रॉप की लोकेशन में निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक घर में हमें ये दो बंदे और नजर आते हैं। तो भाई यहाँ पे तो हम बार बार बचे क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी ओपन थी और बाकी तुम्हें तो पता ही है, तो तुम्हारा भाई ओपी तो भाई, तो इसलिए तुम्हारा भाई एक बंदा पहले ही गाड़ी से नॉक कर देता है कैसे जैसे करके दूसरी गन स्विच करके। तो बट तीसरे बंदे को मारने के लिए हम उसकी क्लोज रेंज में जाते हैं, वो बंदा हमें जिगल करके दिखाता है। तो बट तुम्हें पता ही है अपने आगे जिकल करना, तो मतलब समझ रहे हो ना बस। फिर तो इसी बात पे तुम लाइक का बटन दबा देना जिसने भी लाइक नहीं किया। तो फिर हम वहाँ से निकल के तीसरे ड्रॉप की लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे तो भाई हमारे साथ गलती से नहीं होता। यहाँ पर तो मैं मतलब हम फंस जाते हैं एकदम ओपन में और हमें गोलियाँ पट रही होती है सामने घरों से और पीछे से भी क्योंकि बंदे आए थे सब जगह से, और हम होते हैं ड्रॉप पे और हमारी गाड़ी भी फूट जाती है और हमारे पास स्मोक्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही भाई मैं उतरता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए, मैं ड्रॉप में लूटता हूँ बट ड्रॉप में मेरे काम का तो कुछ होता नहीं है, लेवल 3 वगैरह तो ऑलरेडी होता है, बट भाई इतनी देर में शॉट्स पड़ने लग जाते हैं घर की तरफ से, हम फंस जाते हैं ऊपर में। तो भाई यहाँ पर हम बड़ी मुश्किल से बचे हुए होते हैं क्योंकि घर की तरफ से भी शॉट्स पड़ रहे होते हैं और लेफ्ट की तरफ ऊपर हील पे भी एक स्नाइपर आ जाता है। तो भाई इस वाली फाइट को आप आराम से इंजॉय करो कि भाई देखो हम इनको मार पाते हैं कि नहीं मार पाते। तो भाई ये देखो भाई एक बंदा नॉक करके हम सोचते हैं कि हम पुश कर सकते हैं, बट तो फिर जैसे ही पुश करने जा रहे होते तो थोड़ी सी हमारी रॉन्ग कॉल्स की वजह से लेजिट भाई हो जाते हैं नॉक, क्योंकि मैं नॉक करता हूँ घर वाले को और लेजिट भाई को लगता है कि मैंने बाहर वाले को नॉक करा है।
बाकी कैसे तैसे करके मैं फिर दोबारा लेजेंड भाई को बचा लेता हूँ, बट हम सोचते हैं कि अगेन नॉक करके फटाफट से घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि और भी आगे पीछे ऊपर बंदे आ जाएंगे तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्मोक्स तो हमारे पास है नहीं बिल्कुल भी। बंदे आगे, ऊपर बंदे आगे। तो इतनी देर में ऊपर बंदे आ ही जाते हैं, तो भाई जैसे बंदे ऊपर आ जाते हैं तो हम भाई एक दो स्मोक लेजेंड भाई के पास होते हैं, मेरे पास तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो फटाफट यहाँ से स्मोक बना के, तो लेजेंड भाई कहते हैं कि मेरे पास AWM है, मैं एक नॉक कर फटाफट से पुश करने की ट्राई करते हैं, तो लेजेंड भाई इतनी देर में एक नॉक करते हैं, बट उससे पहले एक बंदा मेरे को नॉक कर देता है M24 का शॉट्स मार के। तो भाई यहाँ पे तो मुझे बचने के लिए भाई लेजेंड भाई ने कहा कि बिल्कुल फायर मत करो, क्योंकि ऊपर वाले को भी पता लग जाएगा कि भाई नीचे ड्रॉप के पास हम हैं, तो भाई फटाफट से हम स्मोक करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम सामने की तरफ टीम में से एक बंदा नॉक कर फटाफट से पुश करें। तो भाई यहाँ पर मैं सब तरफ देख रहा होता हूँ आगे पीछे से, ताकि मेरे को लगता है कि भाई उधर उधर बंदे ना आ जाए, और लेजेंड भाई स्नाइपर वैसे स्नाइपर में उससे फाइट कर रहे होते हैं, बट वो बंदा पीक बिल्कुल नहीं ले रहा होता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास AWM है और पीक लेगा, एक गोली लग गई और वो नॉक हो जाएगा। तो भाई वो बंदा भी एक अच्छा खिलाड़ी था, तो वो भाई बिल्कुल भी पीक नहीं ले रहा था, देखेगा तो बताना मैं मारूंगा उसको। तो हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए हम ट्राई करते हैं ताकि वो हमारे हमारे ऊपर पीक ले और हम उसको नॉक कर पाए, बट वो भाई वो बंदा बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करता है। अरे है ऊपर वाले देख, फिर से देखा तो बताना। एक काम करूंगा ना, ट्रिगर करके ना वो देखो ओपन वाले, ओपन वालों को फायर बिल्कुल मत लेना, ओपन वाले घर वालों को मार रहे हैं, घर वाले इसलिए हमको नहीं मार पा रहे। तो भाई यहाँ पर हम पहुँच गए, तो भाई यहाँ पर हम पहुँच गए थे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, तो क्योंकि हमें खुद समझ नहीं आ रहा था, हम खुद ओपन में थे, तो भाई लेजेंड भाई कहते हैं कि मेरे पास स्मोक पड़े हैं, तो फटाफट से स्मोक करते हैं और घर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, तो लेजेंड भाई स्मोक कर चुके होते हैं और इतनी देर में एक नॉक भी कर देते हैं। तो भाई एक स्मोक डाला होता है हमने आगे, तो भाई मेरे को पता नहीं होता बंदा किस तरह होता है, मतलब नॉक किस तरफ गया होता है, इतनी देर में भाई ऊपर की तरफ एक बंदा होता है, जितनी देर में मैं उस पर शॉट्स मारने की ट्राई करता हूँ और वो बंदा मेरे को ऑलरेडी नॉक कर चुका होता है। तो भाई अब मैं ब्लीड आउट भी बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार नॉक हो गया था पोचंकी वगैरह में, तो जैसे ही मैं ब्लीड आउट हो रहा होता तो मैंने कहा लेजेंड भाई देखो मैं तो नहीं बचूंगा, आप वापस फॉल बैक कर हील कर फिर दोबारा ट्राई करो। तो बट लेजेंड भाई कहते हैं नहीं नहीं मैं अगर ट्राई करता हूँ अगर वो बचा पाऊँ तो, बट ऐसा नहीं होता, वो बंदा ऊपर ही बैठा हुआ होता है और हम होते हैं एकदम ओपन में, तो मुश्किल हो जाता है हमें बचाना। तो भाई इतनी देर में हो जाता है अपना गेम का एंड, तो भाई आप लोगों को नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना कि गेम कैसा लगा, और भाई जो भी चैनल पे नहीं हो गाइस बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक होगा ना, मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पर लाइव आके सब लोगों से बातें करता हूँ और डिस्कॉर्ड पर भी सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, तो गाइस फटाफट से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।